ममता विष्ट जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी क्या सच में करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? ये ममता जी प्रश्न कर रहे हैं, क्या सचमुच करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? बिल्कुल होती है। कोई भी व्रत किया जाए, कोई भी व्रत किया जाए वो दीर्घजीवी तो बनाता है। आप कोई और व्रत ना करें, आप केवल बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दें, माँ बाप के पांव छुएं, बुजुर्गों के पांव छुएं, अतिथि के पांव छुएं, गुरुजनों के पांव छुएं, जब आप अपने से बड़ों का आदर करेंगे, उनके पांव छुएंगे, तो अपने आप क्या होगा? अपने आप आपकी आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि जिनके पांव छुएंगे वो क्या बोलेंगे? दीर्घ जीवी, खूब जियो, खूब खूब लंबी आयु हो, खूब। कोई ना कोई तो आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। तो आप जो दुआ, आपने जो एक करवा चौथ का व्रत रखा, तो प्रार्थना की ठाकुर जी से, भगवान से, हाँ, जो प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी घर में सुख शांति बनी रहे और पति की आयु लंबी हो, तो जब आपने प्रार्थना की है तो कुछ अंश तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो जरूरी है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, आयु तो लंबी होती ही है। सीता जी लंबी मांग भरती हैं, तो उससे भी राम जी की आयु लंबी के लिए मांग भरती हैं। ये हमारा सनातन धर्म में ये सब वर्णन है। राधे राधे गुरु जी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ पर वह मुझसे नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए, आप प्रेम करते हैं ये अच्छा है, उनको भी करना चाहिए ये भी अच्छा है, पर नहीं करते तो आप अपेक्षा ना रखें। आप अपना कर्म करते रहिए, वो अपना करें, करना तो चाहिए, पर प्रेम करते हुए भगवत चिंतन भी करते रहें, ठीक है, करना चाहिए प्रेम। परंतु गृहस्थ जीवन में आप अपने पति से बोलें, वो भी कथा सुना करें, वो भी पुरुष स्त्रियों की भावनाओं को नहीं समझ पाते, पुरुष स्त्रियों के भावनाओं को नहीं समझने के कारण वह अटैचमेंट नहीं हो पाता, जैसे स्त्रियों का पुरुषों के प्रति हो जाता है, पत्नी का पति के प्रति अटैचमेंट रहता है, पर पुरुषों का बहुत कम स्त्रियों के प्रति अटैचमेंट होता है। कारण यही है कि जो प्रेम है ना, प्रेम नाम की जो वस्तु है, प्रेम नाम का जो पदार्थ है, प्रेम जो शब्द है, प्रेम को स्त्री ज़्यादा समझती है पुरुष की अपेक्षा। यहाँ तक कि बेटे से माँ ज़्यादा प्रेम करती है, पिता कम करता है। प्रेम करती है इसीलिए उसका मलमूत्र धो देती है, पिता ये काम नहीं कर पाता। तो स्त्री के अंदर ऑलरेडी प्रेम की अधिकता है ही, स्त्री के अंदर ऑलरेडी प्रेम की अधिकता है, जबकि पुरुष में प्रेम का पदार्थ जरा कम होता है, पुरुष कम प्रेम करता है, स्त्री ज़्यादा करती है। प्राकृतिक है ये, एक पुरुष के संग नहीं है, एक स्त्री के संग नहीं है, सबके साथ है, क्योंकि स्त्री के अंदर प्रेम ज़्यादा है बच्चे के प्रति, पति के प्रति, अपने काम के प्रति। वो घर का काम करती है तो बड़ी साफ सफाई से, प्रेम से करती है, रोटी झाड़ू पोंछा बर्तन, वही काम पुरुष को दे दिया जाए तो नहीं करेगा, क्योंकि उस काम के प्रति उसका प्रेम नहीं है। बेटे दे दिए जाए, चलो तुम संभालो, बाप बेटों को नहीं संभाल पाएगा, माँ अच्छे से संभाल लेती है। मतलब ईश्वर ने इसलिए तो स्त्री बनाया है, नहीं जरूरत क्या थी, पुरुष पुरुष बना लेते। प्रेम की अधिकता स्त्री में ही होती है, इसलिए स्त्रियां ज्यादा प्रेम करती हैं पति से। पति का भी प्रेम होता है, बहुत सारे पति करते हैं, पर आप जो अपेक्षाएं रखती हैं ना, वो आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, जितना मिल रहा उसमें ही संतुष्ट रहो, उतने प्रेम में ही खुश रहो, क्योंकि पुरुष इससे ज़्यादा प्रेम है ही नहीं उसके पास, बेचारा देगा कहाँ से, है ही नहीं। स्त्री के पास ज़्यादा प्रेम है तो वो ज़्यादा देती है, पुरुष के पास प्रेम कम होता है, इसलिए उनसे ज्यादा अपेक्षाएं ना करें, जितना प्रेम है उतना ठीक है। दूसरी बात यह भी है कि स्त्री अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, जबकि पुरुष भी प्रेम करता है अपनी स्त्री से, अपने बच्चों से, पर वो प्रकट नहीं करता।
पुरुष और स्त्री में ये भी एक बड़ा अंतर है कि स्त्री अपने प्रेम को प्रकट करती है, वो बार बार कहती है हम आपसे प्रेम करते हैं, जबकि पुरुष नहीं कहता, जबकि करता है वो भी प्रेम, पर पुरुष कह के नहीं करता, स्त्री कह के करती है। ये बात सब में लागू नहीं है, पर अधिकांश यही होता है, पुरुष कम कहता है, स्त्री ज़्यादा कहती है। तो पुरुष भी करता है पर कहता कम है वो, और कहता नहीं है तो स्त्री को लगता प्यार करता नहीं है। इसलिए पुरुषों को हम कहा करते हैं हर 15 दिन में 8 दिन में कहते रहा करो प्यार करते हैं, प्यार कर अपडेट करते रहा करो, उसको लगता रहेगा हाँ करते हैं, कहना छोड़ दोगे तो उसके लगे करते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। इसलिए हर 7 दिन में अपडेट जरूरी है, और रोज कोई कहे तो और अच्छा। हेमराज कौशिक जी, राधे राधे महाराज जी, जब भी हम अपनी सहेलियों के संग होते हैं तो हमारे पति बहुत बुरा भला बोलते हैं, अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखिए, गृहस्थ जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनों को देना चाहिए, अर्थात जैसे मैं पति प्रसन्न रहे वैसा करो, जैसे मैं पत्नी प्रसन्न रहे वैसा करो, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए जीवन हो तब बढ़िया है। हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें, कहते हैं प्रेम में रिश्तों में बलिदान भी करना पड़ता है। लड़की ससुराल जाती है तो अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन, अपने भाई सबको छोड़ के ही जाती है, अर्थात ये भी एक बलिदान है। तो जब एक का त्याग करते हैं तब दूसरे रिश्ते बनते हैं। यदि आप पति को ज़्यादा समय देंगे और उस रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे तो वो रिश्ता मजबूत होगा। सखी सहेलियों का तो अब ठीक है, फ़ोन से कभी बात हो जाए यही अच्छा है, बाकी जो जिसमें पति और जिसमें पत्नी प्रसन्न रहें वही काम करके और गृहस्थ जीवन को सुखमय बना लेना चाहिए, यही समझदारी है।